स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 आई एम टेकिंग फ्रॉम मिसलेनियस। और बेटे वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसलिए उसी मेथड के मैंने दोनों क्वेश्चन उठाए हैं जो सेम पहले कर चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2 दैट आई हैव डन ऑलरेडी 11-12 सेम है, तो मैं शॉर्ट वे से करूँगा इसको। दूसरा भी आप अपने आप करेंगे कॉन्जुगेट वाला, डिटरमिनेंट्स ही यूज़ करूँगा, सॉरी मॉडुलस यूज़ करूँगा, डिटरमिनेंट नहीं, गलती से बोल लगाया हूँ। अब देखो जरा दोबारा देखो, जैसे लेफ्ट साइड में ए प्लस आर ओटा बी है और फिर तुम्हें क्या चाहिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा लगता है जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लिया हुआ है, इसलिए आप ऐसे लिखेंगे टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड। ये लाइन लिखेंगे आप टेकिंग मॉडुलस, मॉडुलस राइट कर दो, तो क्या बनेगा अभी ए प्लस आर ओटा बी का मोड तो ना बेटे लेफ्ट साइड में, इधर भी मोड राइट कर दो, एक्स प्लस आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाई 2x स्क्वेयर प्लस 1 पूरे का मोड। अभी पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी z1 अपॉन z2 का होल मोड क्या होता है, ये z1 मोड अपॉन z2 मोड, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करूँगा मैं, एक्स प्लस आयोटा ना स्क्वेयर डिनोमिनेटर का मोड यहाँ राइट करूँगा और डिनोमिनेटर का ना बेटे नीचे लिखूँगा, डिनोमिनेटर का ये मोड ये राइट कर दिया। और यू नो जो डिनोमिनेटर में ये पूरा ना रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल का मोड इट सेल्फ होता है, अगर 2 का मोड मैं निकालूँ तो 2 ही आएगा, 3 का मोड मुझे कोई सर पूछता है तो 3 आएगा, तो दिस इज योर पॉजिटिव रियल, ये क्या है पॉजिटिव रियल, और यू नो मोड ऑफ पॉजिटिव रियल विल बी इटसेल्फ। अब लेफ्ट साइड में ये पहले मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट, ये मोड राइट कर दिया। अब राइट साइड में बेटे अभी प्रॉपर्टी बताई थी, कोई स्क्वेयर करके मोड राइट करे या पहले मोड राइट करे फिर स्क्वेयर, या ऑलवेज इक्वल, तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से आई एम एबल टू राइट एक्स आयोटा मोड का स्क्वेयर और नीचे क्या राइट करूँगा 2x² + 1, ये मोड से रिमूव कर दिया मैंने, क्योंकि अभी डिस्कस किया था जितने भी पॉजिटिव रियल है उसका मोड इटसेल्फ होता है 2 का मोड 2, 3 का मोड 3। अब जस्ट क्या बन गई मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट, अभी इधर मोड राइट कर दो एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा के साथ 1 है, 1 का स्क्वेयर 1 अंडर रूट उस पूरे की पावर 2, तो स्क्वेयर था 2x² + 1 स्क्वेयर + 1, अब ये अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, क्या स्टेप आता बेटे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू x² + 1 डिवाइड बाई 2x² + 1, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट माय आंसर। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वेयर करता हूँ तो ये देखना क्या यही आंसर नहीं है, तो राइट साइड में होल स्क्वेयर, दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 11। अब नाम डे क्वेश्चन नंबर 12, पहले भी कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे रियल है ना बेटे तो ब्रैकेट देखो क्या है यहाँ, तो पहले ये टर्म क्वांटिटी फाइंड आउट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसका रियल पार्ट राइट कर दो, तो मैं क्या करूँगा z1 को z2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 - i मल्टीप्लाई बाई -2 + i, अब मल्टीप्लाई करिएगा 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा बेटे, प्लस का 2i + 2i - i² अब ये प्लस का 1 - 4 - 3 + 4i डिवाइड बाई, अब ये जो मैं कैलकुलेट करना था z1 z2 डिवाइड बाई z1 कॉन्जुगेट, अब z1 z2 पहले कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू डाल दो बेटे, और z1 का कॉन्जुगेट ये वाला z1 है, कॉन्जुगेट मीन्स यू आर गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा ओनली, आयोटा का साइन चेंज कर देना, 2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 2 + i। अब नीचे फिर आ गया आयोटा वाली टर्म, तो इसको रेशनलाइज करके खत्म कर लो 2 - i, अब फिर -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो -6 + 3i, अब 4i को 2 से करोगे बेटे 8i आएगा, फिर 4i को इससे करोगे तो -4i² डिवाइड बाई a + b - a - b a² 4, माइनस फॉर आइडेंटिटी में आता बी का स्क्वेयर करूँगा 8² की वैल्यू -1, तो क्या वैल्यू आ गई z1 z2 / z1 conjugate -6, अगर मैं इसको 8² की वैल्यू यहाँ डालूँ -1 तो प्लस का 4 और माइनस का 6 -2 है, +11i है डिवाइड बाई 5, अलग अलग कर दो बेटे -2/5 +11/5i, अगर मुझे इसको कहता रियल पार्ट निकालो तो आंसर मेरा फर्स्ट वाला बन गया, फर्स्ट वाला मीन्स -2/5, अगर इमेजरी पूछता है 11/5 इमेजरी ऑफ दिस, अगर मुझे कैलकुलेट करना है 11/5। अब सेकेंड पार्ट
मैं जल्दी से करूँगा इसको। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सिंप्लीफाई कर देता हूँ डायरेक्ट। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, मोड जेड करके उसका जेड वन स्क्वेयर करेंगे, तो प्रॉपर्टी है जेड को अगर जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे मोड जेड स्क्वेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट जेड वन मोड का स्क्वेयर बन गया, ये डिनोमीटर में आ बना गया, तो इमेजिनरी। अब जेड वन का मोड तुम्हें निकालना आता ही है। अब जेड वन मेरे पास ये है, इसका मोड हर एक बच्चे को निकालना आता है। मैं ऊपर राइट करूँगा यहाँ जेड वन का मोड कैसे राइट करूँगा मैं, पहले टू का स्क्वेयर फोर प्लस माइनस वन का स्क्वेयर करूँगा वन अंडर जा रूट, या आ गया मेरे पास रूट फाइव, इसका स्क्वेयर यहाँ डाल दो बेटे फाइव। तो मेरे पास इमेजरी पार्ट निकालना वन बाई फाइव का, अरे कोई है ही नहीं तो रियल पार्ट है, तो आई कैन राइट इमेजरी वन बाई फाइव प्लस आयोटा इंटू जीरो, तो जीरो के आयोटा के साथ नहीं है तो मेरा आंसर क्या बन गया, जीरो। तो सेकेंड पार्ट मैंने हासिल किया, आप अपने आप ट्राई करिए, अगर प्रॉब्लम